दोस्तों, अगर आप लोग अंडर 40,000 कोई बेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन सा लैपटॉप बाय करें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो और आप सबके लिए वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि गाइस अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर तरह तरह के डील्स चल रहे हैं और इस डील्स में जिस लैपटॉप का सेल पूरे साल भर डाउन रहता है, कस्टमर रिव्यू डाउन रहता है, रेटिंग डाउन रहता है, उसका भी प्राइस लो करके बेच देते हैं। तो गाइस इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में आप सबके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को अंडर 40,000 टॉप 3 लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अभी फ्लिपकार्ट पर बिग दशहरा का सेल भी लाइव चल रहा है। जिन लैपटॉप के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोग उन्हें बाय करते हैं, मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग का एक भी रुपये वेस्ट नहीं होगा और आप सबके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड डील्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर 40,000 फर्स्ट लैपटॉप रेडमी की तरफ से है, रेडमी बुक प्रो, और इसका करंट प्राइस 39,990 रुपये है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 33% का यहाँ पर ऑफ आप लोग को देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर आप लोग के पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट इस लैपटॉप पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर 4.2 का इसे रेटिंग भी मिला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आप लोग को 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 720 पिक्सल का आप लोग को वेबकैम भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप लोग यहाँ पर विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। गाइस आप लोग इसे अपग्रेड करके विंडो 11 भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो इसमें आप लोग को DDR4 का 8 GB का रैम और 512 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर की तो इसमें आप लोग को इंटेल कोर i5-11300H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एच मतलब हाईएर लेवल का प्रोसेसर होता है गाइस, और इसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 4.4 GHz है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप लोग को इंटेल का IRIS-XE ग्राफिक मेमोरी भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट एंड डिजाइन की तो इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है और इसका वेट अबाउट 1.8 kg है। इसमें आप लोग को सभी रिक्वायर्ड पोर्ट्स और जैक्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की तो इसका बैटरी बैकअप अप टू 10 आवर कंपनी की तरफ से दिया गया है। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से आप लोग को इसमें 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग अंडर 40,000 कोई बेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हैं, काफी बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अंडर 40,000 के सेकेंड नंबर के लैपटॉप की बात करें गाइस तो आसूस ब्रांड की तरफ से है, जो कि बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है। आप लोग को 40,000 के प्राइस में काफी अच्छा कॉन्फिग्रेशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस आसूस वीवो बुक 14 और इसका करंट प्राइस 42,890 रुपये है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 39% ऑफ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है और 4.2 का इसे रेटिंग भी मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइस यहाँ पर आप लोग को बैंक ऑफर भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग के पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आप लोग को 14 इंचेस का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मिल जाता है। विंडो 11 होम आप लोग को यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। और अगर बात करें इस लैपटॉप के रैम और स्टोरेज की तो इसमें आप लोग को DDR4 का 16 GB का रैम, जी हाँ गाइस आप लोग को यहाँ पर DDR4 का 16 GB का रैम और 512 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 40,000 के प्राइस में आप लोग को 16 GB का रैम आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर की तो इसमें आप लोग को AMD Ryzen 7 Quad Core का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 4.0 GHz है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को प्रोसेसर भी काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट एंड डिजाइन की तो इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है और इसका वेट अबाउट 1.6 kg है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप लोग को सभी रिक्वायर्ड पोर्ट्स और जैक्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की तो इसका बैटरी बैकअप अप टू 6 आवर कंपनी की तरफ से दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को 4 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस काफी बेस्ट डील है। अगर आप लोग अंडर 40,000 कोई बेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इस आसूस के लैपटॉप को भी बाय कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 14,000 के प्राइस में 16 GB का रैम और Ryzen 7 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें थर्ड लैपटॉप की तो थर्ड लैपटॉप MSI ब्रांड की तरफ से है। प्राइस थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है, लेकिन बेस्ट लैपटॉप है।
MSI मॉडल 14 और इसका करंट प्राइस 44,890 रुपये है। यहाँ पर आप लोग को 27% का ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके रेटिंग और रिव्यू की तो 4.4 का इसे रेटिंग मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी अगर आप लोग के पास HDFC बैंक का कार्ड है तो आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में 14 इंचेस का फुल HD IPS टेक्नोलॉजी वाला एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो देखने को मिल जाता है। विंडो 11 होम आप लोग को यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इस लैपटॉप के रैम और स्टोरेज की, इसमें आप लोग को DDR4 का 8GB का रैम और 512GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर की, इसमें आप लोग को AMD Ryzen 5 हेक्जा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। AMD Ryzen 5 हेक्जा कोर 5500U का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 4.0 GHz है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप लोग को AMD Ryzen ग्राफिक मेमोरी भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट एंड डिजाइन की, इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है और इसका वेट अबाउट 1.3 kg है। इसमें आप लोग को सभी रिक्वायर्ड पोर्ट्स और जैक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस, अगर आप लोग अंडर 40,000 कोई बेस्ट लैपटॉप अगर बाय करना चाहते हैं तो गाइस आप लोग इसे भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे टॉप 3 लैपटॉप अंडर 40,000। इससे बेटर लैपटॉप अंडर 40,000 आप लोग को अभी देखने को नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा के सेल पर आप लोग को ये अंडर 40,000 टॉप 3 लैपटॉप देखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस, अगर आप लोग अंडर 40,000 लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लैपटॉप का लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया रहेगा तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड डील्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।